हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजूज ऑल इन वन क्रिएशन। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आपने जैसा कि देख ही लिया होगा, आज की मेरी रेसिपी है मैंगो मस्तानी। ये पुणे का एक फेमस स्ट्रीट फूड है, जो मैंगो मस्तानी जूस शेक विद आइसक्रीम है। और ये पुणे में फेमस आइसक्रीम पार्लर है, जो सुजाता मस्तानी के नाम से यहाँ पर ये मिलता है। चलिए बनाते हैं इसको। इसके लिए मैंने ये मैंगोज ले लिए हैं, 4 पीस हैं, ये अल्फेंसो है। तो चलिए अब शुरू करते हैं मैंगो मस्तानी बनाना। तो सबसे पहले हम मिक्सी जार में, तो मैंने सबसे पहले 4 मैंगोज को पील कर लिया था और ये जो पल्प है ये निकाल लिया था, और छोटे छोटे पीसेस भी कुछ कट करके अलग रख लिए थे। तो ये हम पहले मिक्सी जार में डालेंगे 4-5 स्पून। और इसमें मैं ये मिल्क ले रही हूँ, 1/2 लीटर से कम है ये, 350 ml के करीबन लिया है मैंने। ये डाल देंगे, इसमें चीनी डालेंगे, एक दो 2.5 चम्मच के करीब मैंने चीनी डाल दी है। और इसको अब हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए ऐसा। और अब मैं इसमें ये वनीला आइसक्रीम ली है मैंने, 3 स्कूप्स डालूंगी। और इसको दोबारा ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए ऐसा स्मूथ फाइन शेक, बढ़िया पेस्ट बन जाए। और अब हम इसको ग्लास में सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो मैंने छोटे से कट करके रखे थे मैंगोस क्यूब्स, ये इसमें डालेंगे सबसे पहले 2 चम्मच। फिर मैं ये टूटी फ्रूटी मिक्स कलर है ये डाल रही हूँ थोड़ा। ये जो सुजाता मस्तानी है, यहाँ पर वेरियस वैरायटीज ऑफ जूसेस एंड आइसक्रीम मिलती हैं, बहुत फेमस है ये वहाँ पर पुणे में। अब ये स्लाइसेस में कट करके बादाम और काजू है। मैं ये थोड़ा पिस्ता डाल रही हूँ, चॉप किया हुआ है छोटा। उसमें 1 स्कूप आइसक्रीम डाल दे। और ये मैंगो पल्प मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फाइन किया था पेस्ट, इसको मैं ग्लास की चारों तरफ इस तरीके से लगा दूंगी, तो थोड़ा डेकोरेटिव बहुत लगेगा ये। ये शेक डाल देंगे। फिर 1 स्कूप आइसक्रीम, और ये फिर मैंगो कट पीसेस थोड़े थे वो डाल देते हैं इसके ऊपर। और अब टूटी फ्रूटी डाल देते हैं। और फिर ये दोबारा से ड्राई फ्रूट स्लाइसेस डाल देते हैं, पिस्ता और बादाम काजू। खूब बढ़िया लोडेड होना होता है ये, तभी ज़्यादा डिलीशियस होता है। और इसके ऊपर ये चेरी लगा देते हैं। हो गया हमारा ग्लास तैयार, ये मैंगो मस्तानी फुली लोडेड विद आइसक्रीम, मैंगो पल्प एंड मैंगो शेक। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आगे देखना चाहते हैं मेरे वीडियोस तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। चलिए अब इस बारी है इसको टेस्ट करने की, तो टेस्ट कर लेते हैं। काफ़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया है, डिलीशियस है, आप भी ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय।